नमस्कार। आज एक ऐसे सूत्र पे बात करेंगे जो जन्म कुंडली में इस चीज का निर्धारण करता है कि व्यक्ति उसके अंदर कितनी काबिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह पे नहीं रुक पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि आचार्य जी या मैं बहुत ज़्यादा दिन एक जगह पे नहीं काम कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, कम हैं ऐसे लोग, मैं कहूँगा कम हैं ऐसे लोग, कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। कौन से ऐसे योग होते हैं जिसको देखने के बाद ये साधारणतः ये कहा जाएगा कि आप जीवन में तरक्की करेंगे। इसको देखने का क्या तरीका है? और अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं, ज्योतिषी हैं आप या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद उपयोगी जानकारी होगी ये। देखिए, ये सफलता को तो दिखाते ही दिखाता, उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति जिसके अंदर एकाग्रता है, जिसके अंदर धैर्य है और जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। कुछ योगों के कारण ये स्थितियां बनती हैं, उन योगों पे बात करेंगे। अंत में एक वीडियो, इसी वीडियो में उन योगों को मैं लगा के दिखाऊंगा एक आईएएस अधिकारी की जन्म पत्रिका में। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली है, देखिए मेष लगन है। मान लीजिए किसी का भी हो सकता है, किसी का मिथुन लगन हो सकता है, किसी का कुंभ लगन हो सकता है, आपका जो भी लगन है अपने हिसाब से देखिएगा। कुंडली खोल लीजिए, बेहद सामान्य तरीके से मैं बताऊंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप जो है काफी कुछ समझ जाएंगे इसके बारे में। मान लीजिए मेष लगन है और चंद्रमा जो है इस जगह पे बैठा है। आपका चंद्रमा कहीं पे भी बैठ सकता है और लगन जो है, लगन में नंबर कोई भी हो सकते हैं। मान लीजिए मेष लगन है और चंद्रमा आपका यहां बैठा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है ये समझिए। लगन से गिनती गिनिएगा 10। लगन से दशम हो गया, मतलब आपका जो है मेष लगन की कुंडली है, दशम शनि इसका मालिक हुआ। मेष लगन की कुंडली में दशे भाव में जो है शनि इसका मालिक हुआ। अब नवमांश में देखिए शनि किसके नवमांश में है, इसी चीज को और बढ़ाएंगे। चंद्रमा से भी देख लीजिए, मैं बाद में जो है नवमांश में कैसे देखा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा, पहले लगन कुंडली के बारे में समझ लेते हैं। लगन से देखिए दशम भाव में और चंद्रमा से देखिए दशम भाव में। लगन से दशम भाव का अधिपति शनि बनेगा और चंद्रमा से दशम भाव का अधिपति चंद्रमा बनेगा, चंद्रमा। अब आपको इस सूत्र को जो है नवमांश में लेके आना है। फिर से समझिए, लगन से दशम में देखिए, चंद्रमा से दशम में देखिए। ये चंद्रमा आपका कहीं पे भी बैठा हो सकता है, लगन में कोई भी नंबर हो सकता है। अब नवमांश में अगर आते हैं, मान लीजिए चंद्रमा से दशम भाव में आपका कर्क राशि है। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा खुद होंगे और लगन से अगर देखा जाए शनि आपके दशम भाव में है। दशम भाव का अधिपति शनि अगर देखें लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में अगर कर्क राशि में बैठे हैं तो यह कहा जाएगा इस योग को इस तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए यहां पर जो है आपका 9 नंबर लिखा है और यहां पर अगर मान लीजिए आप जो है यहां 3 नंबर लिखा है, ठीक है। चंद्रमा लगन से दशम मतलब मिथुन राशि और सप्तम से दशम, मान लीजिए यहां पर जो है 9 नंबर लिखा है। सप्तम से दशम मतलब आप क्या हो गया, धनु राशि जिसका अधिपति गुरु है। लगन से दशम को आप देखिए अब नवमांश में मिथुन को देखिए कहां बैठा है। अगर मिथुन जो है मान लीजिए मेष राशि में बैठे हैं, मान लीजिए बुध आपके जो है मेष राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, और चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी भी अगर मेष राशि में बैठा है या चंद्रमा से दशम का स्वामी वृश्चिक राशि में बैठा है, ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा वहां पर, ये सूत्र वहां पर ये लग जाएगा। फिर से समझिए, मान लीजिए चंद्रमा आपका जो है 1 नंबर में है, मेष राशि में है,
और यहां पर लिखा है आपका जो है 10 नंबर लिखा है। लगन से अगर देख लीजिए, मान लीजिए यहां पर जो है आपका 2 नंबर लिखा है, आपको कैसे देखना फिर से समझिए। लगन से दशम में शुक्र की राशि, चंद्रमा से दशम में शनि की राशि। अब नवमांश में आइए, नवमांश में देखिए शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और शनि, नवमांश में शुक्र और शनि की स्थितियां देखिए। कोई ऐसी राशि में अगर दोनों बैठे हैं जो एक ग्रह की है, या फिर कह लिए दोनों युति बना के एक राशि में बैठे हैं, या ऐसी राशि में बैठे हैं जो दो राशि, मतलब अगर कहा जाए चंद्रमा इसका दोनों जो है अगर नवमांश में देखा जाए गुरु की राशि में, मान लीजिए मीन राशि में है, धनु राशि में है, शुक्र आपका मीन राशि में बैठ गया और शनि आपका जो है धनु राशि में बैठ गया है, तो वहां पर ये सूत्र लग जाएगा। या धनु राशि में दोनों युति करके जो है बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि लगन पत्रिका में लगन से दशम, चंद्रमा से दशम, जिन राशि जो एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर मान लीजिए गुरु लिखा है और 2 नंबर है, तो आप गुरु को मत देखिए, यहां पर जो राशि लिखी है उसको देखिएगा। यहां पर मान लीजिए चंद्रमा शुक्र बैठा है, शुक्र को मत लीजिए चंद्रमा से दशम में, जो राशि लिखी उसको देखिएगा और उस राशि को नवमांश पत्रिका में देखिएगा। जिस ग्रह की राशि में है उसकी 2 राशियां अगर हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के 2 राशियां अगर हैं, तो ये कहा जाएगा ये आपका सूत्र जो है वहां पर काम करेगा। अब उदाहरण कुंडली में आते हैं। देखिए आपके सामने एक कुंडली है, 31 दिसंबर 1978, समय 14:31 दोपहर का, बिहार का जन्म है, इंडिया में। ये एक आईएएस की कुंडली है। अगर लगन में देखें शनि राहु, अब लगन से दशम भाव का स्वामी अगर देखा जाए शुक्र बनेगा। शुक्र अगर नवमांश में देखेंगे आप तो कर्क राशि में है। अब इस सूत्र को चंद्रमा से देखा जाए, चंद्रमा अगर देखा जाए छठे भाव में, चंद्रमा से दशम का स्वामी अगर देखा जाए शुक्र बनेगा, मतलब लगन से लगन का मालिक भी शुक्र है और चंद्रमा से दशम का मालिक भी शुक्र है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि दोनों का अधिपति नवमांश में कर्क राशि में है, यहां पर वो सूत्र लग जाएगा। समानता इस सूत्र का मतलब व्यक्ति की कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, समानता इस सूत्र का मतलब व्यक्ति का जुझारूपन, एक जगह पर लगे रहना और कहीं ना कहीं सफलता को भी ये सूत्र दिखाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी लेके फिर उपस्थित होऊंगा। अगर कोई प्रश्न आपके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, आने वाले समय में उस पर मैं वीडियो बना के डालूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।